दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एस के यादव अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज राजनीति के दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा दुखद घटना है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता श्री लालजी टंडन का देहांत हो गया है। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, लगभग 1.5 महीने से उनके लेवर में इन्फेक्शन था और हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनका निधन 85 वर्ष के उम्र में हुआ है। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन ने दी है ट्वीट करके। बहुत ही सौम्य और सुशील प्रकृति के नेता थे, जो हमेशा लोगों के बारे में सोचते रहते थे। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि लालजी टंडन ने कोई विवादास्पद बयान दिया होगा या कोई उल्टा सीधा काम किया होगा या किसी घोटाले में फंसे होंगे। वो बहुत ही साफ चरित्र के लोग थे। इतने अच्छे नेता को देश ने खो दिया है। आज की घटना काफ़ी दुखद है। वो 2018 में बिहार का राज्यपाल भी रह चुके थे। उसके बाद 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की खबर देखने के लिए और नए नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।